नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को पसंद करते हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नई रेल कोच फैक्ट्री के बारे में जो कि भारत में अभी फिलहाल कुछ ही दिनों पहले खुली है। इससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं हमारे भारतीय रेलवे में जिस तरीके से बदलाव आ रहे हैं। आप लोग जानते हैं उत्कृष्ट प्रोजेक्ट के जरिए हमारे ICF कोचेस की ट्रेन को बदला जा रहा है, उनके इंटीरियर को बदला जा रहा है, उनके एक्सटीरियर को बदला जा रहा है, उसमें टॉयलेट्स की जो फैसिलिटी है उसको अच्छा करा जा रहा है, अच्छे कलर के साथ में अंदर आपको इंटीरियर में सफाई भी देखने को मिल रही है, तो ये अच्छा बदलाव आ रहा है। साथ में हमारे जो कोचेस की वेल्डिंग की जो दिक्कत रहा करती थी उसको भी सुधारने में हमारी जो टेक्नीशियन है वो काम कर रहे हैं। बहुत से लोग बोलते थे, मैं पहले वीडियो बनाता था, LHB कोचेस की वेल्डिंग और ज़्यादा इंप्रूव होनी चाहिए, तो वो भी आगे देखने को मिल रही है जिस तरीके से नए नए कोचेस रूल्ड आउट हो रहे हैं रेलवे की तरफ से। बाकी हमारे जो LHB कन्वर्जन का काम है उसको स्पीड अप करना है तो हमें और भी ज़्यादा रेल कोच फैक्ट्री की ज़रूरत है, क्योंकि मैक्सिमम ICF ट्रेन्स अभी भी इंडिया में चल रही हैं। उनको धीरे धीरे बदलाव लाया तो जा रहा है, देखा हमने बहुत सारी बीते दिनों सुपरफास्ट ट्रेन ही नहीं एक्सप्रेस ट्रेन भी बदली हैं LHB ट्रेन के अंदर, लेकिन अभी भी बहुत ट्रेनें बाकी हैं। इसी काम को पूरा करने के लिए अब आखिरकार चौथी रेल कोच फैक्ट्री जो कि खुल चुकी है महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के लातूर में, मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री लातूर इस नाम से जानी जा रही है। और ये फैक्ट्री 25 दिसंबर 2020 को खुली। यहाँ पर पहला कोच असेंबल हुआ इसी दिन। और अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। रेल विकास निगम RVNL जो कि इंडियन रेलवे की एक सब्सिडरी है, PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में काम करती है, इसने इसको पूरा बनाया है। ये जो प्रोजेक्ट था ये सैंक्शन हुआ था 28 अगस्त 2018 को। उसके बाद 30 अगस्त 2018 को ये प्रोजेक्ट RVNL को दे दिया जाता है पूरी तरीके से एक एक चीज। और यहाँ पर पहला फिजिकल वर्क जो है वो स्टार्ट हो जाता है अगले ही 2 महीने बाद 12 अक्टूबर 2018 को। तो बहुत जल्दी काम भी स्टार्ट हो गया, काम दे भी दिया गया और अब आखिरकार 2 साल के बाद कोरोना क्राइसिस के बीच में भी ये काम चलता रहा और फैक्ट्री 25 दिसंबर 2020 को स्टार्ट हो गई। इस फैक्ट्री की खास बात बताऊं दोस्तों तो ये इंडियन रेलवे के ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर बनी है। 800 किलोवाट का रूफ माउंटेड सोलर पावर प्लांट लगाया गया है जिससे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की बचत होगी इस फैक्ट्री के अंदर जो भी काम होगा। इसके अंदर सीवेज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग प्लांट भी लगाया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर लगभग 10,000 पेड़ लगाने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। LED लाइटिंग का यूज़ किया गया है और नेचुरल डे लाइट और वेंटिलेशन का भी यहाँ पर पूरी तरीके से आनंद लिया जा सकता है, क्योंकि जो इसका शेड है उसकी जो रूफ है उसमें इस तरीके की तकनीक का यूज़ किया गया है जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट भी आराम से अंदर आ सके। 350 एकड़ के लैंड में ये बनाया गया है दोस्तों और इसमें एक 52,000 स्क्वायर मीटर प्री इंजीनियर बिल्डिंग भी बनाई गई है। इसमें 3 लाइन तो यार्ड की हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन भी बनाया गया है जिसके थ्रू 33 kV की सप्लाई भी यहाँ पे मौजूद है। कैंटीन की फैसिलिटी भी यहाँ पर है और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और सिक्योरिटी ब्लॉक्स एंड रेजिडेंशियल कॉलोनीज भी 24 एकड़ में फैली हुई हैं। 5 किलोमीटर लॉन्ग रेल कनेक्टिविटी भी यहाँ पर दी गई है कोचेस की मूवमेंट के लिए जो कि इस फैक्ट्री से जाएंगे सीधा नई इलेक्ट्रॉनिकली इंटरलॉक्ड हरंगुल रेलवे स्टेशन तक। तो इस रेलवे स्टेशन तक ये कोच जाया करेंगे इस फैक्ट्री से तैयार होने के बाद में। तो 5 किलोमीटर की लाइन भी बिछाई गई है। तो बाकी ये तो रही फैक्ट्री की बात, अब बात करता हूँ इसकी कैपेसिटी की। तो दोस्तों 250 मेमू EMU LHB एंड ट्रेन सेट टाइप कोचेस बनाने की कैपेबिलिटी है मॉडर्न इस फैक्ट्री के पास। तो हर मॉडर्न तकनीक से लैस है ये फैक्ट्री। इससे पहले आप जानते हैं दोस्तों हमारे देश में ICF जो कि चेन्नई में है, इसके बाद RCF कपूरथला में है और उसके बाद नई नवेली MCF मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है, इसके बाद ये फैक्ट्री बनी है। अब जो लातूर की फैक्ट्री है इसके अंदर भी वही कैपेबिलिटीज़ है, वही अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, न्यू मशीनरीज हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हमारी MCF रायबरेली फैक्ट्री में भी उपलब्ध कराए गए थे बाद में।
तो यही चीज देख करके पता लगता है कि अब ये चारों फैक्ट्रीज मिलकर के और भी ज़्यादा स्पीड देगी हमारी कोचेस के प्रोडक्शन को, जिससे कि हमारी ट्रेन्स के और भी ज़्यादा कन्वर्जन हो सकेंगे LHB कोचेस में। और मेट्रो रेल के कोचेस भी यहाँ पर बनाए जाएंगे, क्योंकि मुंबई आप जानते हैं वहाँ पर मेट्रो की कितनी रिक्वायरमेंट है, वहाँ के मेट्रो कोचेस भी यहाँ पर ही बन सकेंगे। यही कारण सोच करके लातूर में इस फैक्ट्री को बनाया भी गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो मेट्रो का पूरा प्रोजेक्ट है उसको ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी फैक्ट्री, और साथ में इंडियन रेलवे को तो सपोर्ट करने ही वाली है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 500 करोड़ रुपए का खर्चा इस फैक्ट्री को तैयार करने में, और साथ में 120 करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चा इस लैंड को एक्वायर करने में भी आया है। तो यहाँ से आपको मालूम पड़ गया होगा कि कितना स्पीड में इस फैक्ट्री को तैयार किया गया। इस फैक्ट्री के बारे में मैं आपसे पहले भी बात करना चाह रहा था लेकिन वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज वक्त मिला तो मैंने सोचा कि बात कर लेते हैं इस फैक्ट्री के बारे में भी, क्योंकि ICF MCF रायबरेली और RCF कपूरथला की तो बात हम बहुत करते हैं, चाहे वंदे भारत एक्सप्रेस की बात हो, इन तीनों फैक्ट्री को ऑर्डर मिले हुए हैं आप लोग जानते हैं, या फिर मॉडर्न LHB कोचेस की बात हो, तेजस एक्सप्रेस के न्यू कोचेस की बात हो, जिस तरीके से राजधानी एक्सप्रेस के कोचेस को तेजस से रिप्लेस किया जा रहा है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें फैक्ट्रीज की ज़रूरत तो है। और अब चार फैक्ट्री हो गई हैं तो और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा आने वाले टाइम में, जब कोरोना काल से हमारा देश जब बाहर आएगा फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से रेलवे में क्या विकास कार्य होते हैं। आज के लिए इतना ही, आप लोग अपने विचार देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।